तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मुझे दो तीन सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, स्पेशली फॉर जो बिगिनर फोटोग्राफर्स हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। तो जो पहला सवाल है वो है कि मेरे पास 18-55 लेंस है, क्या मुझे 50mm लेंस लेना चाहिए। और सेकंड जो सवाल है कि 18-55 और 50mm 1.8G में क्या डिफरेंस है। और जो तीसरा सवाल है वो है 18-55 फ़ोटो इतना अच्छा क्यों नहीं आता है, क्या रीज़न है इसका बताइए। तो इसके ऊपर मैं एक आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। तो आज हम बात करेंगे 18-55 और 50mm में क्या डिफरेंस है और इनसे आप किस किस टाइप की फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। तो जैसा कि आप लाइव देख सकते हो, मेरे सामने 18-55 और 50mm 1.8G लेंस रखे हुए हैं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस है और किस किस टाइप की फ़ोटोग्राफी की जा सकती है। आपको लाइव वीडियो भी दोनों का बना के दिखाऊंगा मैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, और कुछ सैम्पल इमेजेस इस वीडियो के एंड में हम आपको दिखाएंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, दोनों ही चीज़ें आपको हम दिखाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल DSLR 14 World, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं 50mm और 1855 जो बेसिक लेंस जो कैमरे के साथ में आता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो, पहली बात करें 50mm 1855mm, इसका अपाचर 3.5 से 5.6 है, DX कैटेगरी का लेंस है और VR भी इसमें आपको आता है। यहाँ पे इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन है कि जो इसका कैप लगता है वो 55mm का है, VR है, G है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं, इसमें क्या खास बात है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो सब ये बोलते हैं कि लगभग 70% जो 60-70% जो फ़ोटोग्राफी है वो आपके 18-55 लेंस से ही पॉसिबल है। मतलब आपको कोई दूसरा लेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और कंपनी भी साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको 18-55 लेंस ही देती है। वो इसका रीज़न यही है, बिगिनर में 18-55 लेंस ही आपको सारे किट के साथ में मिलता है, जिससे वो निकॉन हो, कैनन हो या सोनी हो, 18-55 या 16-50 जो लेंसेस हैं वही आपको मिलते हैं। और 50mm नॉर्मली काफ़ी अच्छा लेंस है, बहुत अच्छा लेंस है, लेकिन जिनका पर्पस है, जिनका यूज़ है, उनके लिए काफ़ी अच्छा लेंस है। तो नॉर्मल फोटोग्राफी आप 18-55 से ही काफ़ी बेहतरीन कर सकते हैं। साथ में ही 18-55 में आपको जूम भी मिलता है, काफ़ी अच्छा इसमें जूमिंग आता है, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है कि नॉर्मल हिसाब से आप 50mm फिक्स होता है, इसमें जूम आप कम ज़्यादा कर सकते हो। स्पेशली वेडिंग फ़ोटोग्राफी या ग्रुप फ़ोटोज़ हो गए, जैसे वाइड एंगल जो है इसका काफ़ी अच्छा होता है, तो आप ग्रुप फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। नॉर्मली वीडियो वगैरह आपको बेसिक शूटिंग वीडियो वगैरह करने हैं जूम कम ज़्यादा करके, तो वो आप बना सकते हो। 50mm में आपको ही आगे पीछे होता पड़ता है, उससे थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो इसमें आपको जूम भी मिल सकता है, प्लस वीडियो के लिए भी स्पेशली है। लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी हो गई, जैसे कि बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना है, क्योंकि 18mm काफ़ी अच्छा वाइड एंगल होता है, तो आप लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी भी इसमें काफ़ी अच्छी कर सकते हो। उसके अलावा ट्रैवल, घूमने फिरने के हिसाब से देख रहे हो तो भी मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन लेंस है, क्योंकि इसमें जो अपर्चर है वो भी काफ़ी नॉर्मली ठीक ठाक है, 3.5, तो काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट भी है, काफ़ी छोटा सा लेंस है, कैरी करने में ज़्यादा इजी रहता है, प्लस लाइट वेट भी है, काफ़ी लाइट वेट है। और ये इसका अपर्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ओपनिंग। और सबसे अच्छी बात ये है कि लो बजट में आ जाता है, बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल लो बजट का ये लेंस है आपके। VR है ही साथ में, और ये इसका जूम है 18 से 55mm तक, आप इसमें जूम भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें आप पोर्ट्रेट नहीं कर सकते, तो सारे ही काम लगभग मतलब अगर स्टार्टिंग आप एंट्री लेवल हैं, आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लेंस आपके लिए सफिशिएंट होगा। हाँ, अगर आपका प्रोफेशनल यूज़ है तो उसके हिसाब से आप बाकी लेंसेज देख सकते हो। और नॉर्मली जनरली बेसिक फ़ोटोग्राफी आपको करनी है तो बेसिक फ़ोटोग्राफी के लिए ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चॉइस है। इसके अलावा आपको दूसरा लेंस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें जूम भी मिल जाता है, इसमें आप ठीक ठाक 50mm पर रख के पोर्ट्रेट भी कैप्चर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्या क्या यूज़ होता है, वो मैं अपने जो आगे इसका स्पेशली वीडियो बनाऊँगा, 18-55 से आप किस किस टाइप की फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए, तो वो आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं 50mm की, तो ये इतना स्पेशल क्यों है।
तो ये है AFS निकोन 50mm 1.8G, जैसा आप देख सकते हो। और इसमें ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस का बटन भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ इन्फिनिटी का मोड भी है, और ये भी बहुत कम प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है। मात्र आपको 18,000 MRP है, लेकिन ऑफर में आपको 12,000 के 12,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। ये मैनुअल फोकस रिंग है, आप यहाँ से इससे मैनुअल फोकस भी कर सकते हो। मैनुअल फोकस ऑटो फोकस 18-55 में भी कर सकते हो, पर उसमें आपको बॉडी से ऑपरेट करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्टली आपको लेंस में दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी एक और काफ़ी अच्छी बात है, फिक्स लेंस है। तो फिक्स लेंस का अपना खुद का एक एडवांटेज होता है कि आप अगर फोटोग्राफी सीख रहे हैं तो आपकी सीखने की जो स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। प्लस पोर्ट्रेट और प्राइम फोटोज़ तो इसका कोई जवाब नहीं है, काफ़ी अल्टीमेट आप बना सकते हो, क्योंकि इसका जो अपाचर है वो 1.8 है और इसकी ओपनिंग है वो काफ़ी अच्छी ओपन होती है। तो इससे आपको काफ़ी लो लाइट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करेंगे तो लो लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा 1.8 अपाचर, क्योंकि ओपनिंग जितनी ज़्यादा अच्छी खुलेगी उतनी लाइट आपके कैमरे को ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो ओपनिंग का अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों की ही मैं आपको ओपनिंग लाइव दिखा देता हूं कि कितना डिफरेंस है दोनों की ही ओपनिंग में। तो यहां पे आप क्लियर देख सकते हो, ये 18-55 की ओपनिंग है और ये आपके 50mm की। तो ये देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। इससे डे में आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बात करेंगे लो लाइट की तो लो लाइट में इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अपर्चर अच्छा है तो इससे स्पेशली एक ये बेनिफिट भी मिल जाता है कि आपको जो बूके इफ़ेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये थी दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो आपने देख ली है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ बेसिक फ़ोटोग्राफी करते हो, आपका ज़्यादा बड़ा पर्पज़ नहीं है, नॉर्मल होम पर्पज़ की फ़ोटोग्राफी करनी है, तो 18-55 आपके लिए सफिशिएंट है। हाँ, फ़ोटोग्राफी कैसे करनी है 18-55 से अगर काफ़ी अच्छी यूनिक फ़ोटोज़ नहीं आ रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। और आपको अगर सीख समझ रहे हो, सीखना चाहते हो, फ़ोटोग्राफी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको 50mm लेना चाहिए। तो चलिए कुछ सैम्पल्स इमेजेस की मैंने बात करी थी, वो सैम्पल इमेजेस और वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ अब, जिससे आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। बैकग्राउंड ब्लर भी 18-55 भी काफ़ी अच्छा करता है। तो हम देखते हैं दोनों की ही इमेजेस। तो शुरुआत करते हैं हम इस इमेज के साथ में जो 18-55 से ली हुई एक पोर्ट्रेट फोटो है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा आपको 18-55 में भी पोर्ट्रेट मिल जाता है, और ये 50mm में कैप्चर करी हुई। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन आप देखेंगे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सेकंड फोटो जो 18-55 पोर्ट्रेट मैंने खुद कैप्चर करी है, और ये 50mm की 50mm से पोर्ट्रेट लिया हुआ 1.8 अपाचर पे। तो डिफरेंस हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं है। ये वाइड एंगल फोटो है 18-55 की, जिसमें देख सकते हो आप वाइड एंगल कितना अच्छा है 18mm का, और ये 50mm की फ़ोटो है उसी जगह की। तो आपने देख लिया होगा क्या डिफरेंस है। दोनों की इमेज क्वालिटी दोनों की बराबर है, बस वो पोर्ट्रेट का फ़र्क पड़ता है ओनली, और जूमिंग का फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा। अब लास्ट में हम देखते हैं दोनों का ही वीडियो। तो चलिए आपको दोनों के ही जो हमने एक एक मिनट के जो वीडियो बनाए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं बना रहा हूँ 18-55 लेंस से वीडियो है। 18-55mm का लेंस लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हो जूम कम ज़्यादा भी कर सकते हो, 50mm में जूम आप नहीं कर सकते हो, 18-55 में आप जूम कर सकते हो। तो देखिए पीछे का जो बूके इफेक्ट है काफ़ी अच्छा बन रहा है, पीछे का सारा ब्लर आ रहा है, तो इसमें भी आप काफ़ी अच्छा ब्लरी इफेक्ट दे सकते हो। तो थोड़ा सा और बाकी जगह की भी देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ से अगेन सनलाइट आ रही है, तो हो सकता है आपको थोड़ा डार्क दिख रहा होगा। तो फोकसिंग भी काफ़ी अच्छी है, क्विक फोकस आप कर सकते हो पल्स स्टेपिंग मोटर के साथ में है। अब थोड़ा सा बाहर का व्यू भी ले लेते हैं एक रोड का। तो ये आप देख सकते हो ये 18 पे है। अब थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं, और ये 55mm पे। तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें जूम भी मिल जाता है। नॉर्मली 50mm में जूम नहीं कर सकते आप, एकदम फिक्स होता है, आपको ही थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो ये 18-55 का जूम हो गया, ये 55mm का व्यू है, काफ़ी क्लियर शार्प वीडियो भी आ रहा है, फोकसिंग भी काफ़ी अच्छी है। और ये 18mm पे मैंने वापस कर दिया है। और यहाँ पे जैसे बूके, आप मेन बात करते हैं बूके की, तो बूके वीडियो में भी काफ़ी अच्छा आपको 18-55 से ही मिल जाएगा। काफ़ी महंगे लेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सेटिंग्स वगैरह
एंगल वगैरह पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए कितना अच्छा बुके इफेक्ट इसमें आ रहा है। तो 18-55 भी काफ़ी अच्छा लेंस है। लोगों का ये गलतफहमी है कि 18-55 में काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 50mm का सेम वीडियो। तो ये है 50mm का वीडियो जो 18-55 आप जैसा देख रहे थे, सेम वैसा का वैसा ही आपको 50mm में भी व्यू मिल रहा है। तो ये 50mm का वीडियो है, ये सब्जेक्ट क्लियर है, पीछे का ब्लर है। तो इसमें भी जो बुके है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है 1.8 पे, क्योंकि ये 50mm है और वो 55mm था, तो इसलिए लगभग दोनों बराबर से लग रहे हैं। हल्का फुल्का जहाँ तक है 50mm का बुके थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 18-55 का भी इतना कम नहीं होता है। तो यही वो इस बाहर की सिचुएशन कैमरों की जो आपको मैंने उसमें भी दिखाई थी, ये फोकस। चलिए अब इसको भी बाहर लेके चलते हैं और एक बार वापस जो रोड है उसका आपको सीन दिखाते हैं कि आप 18-55 में कितना बिल्कुल नज़दीक दिख रहा था, इसमें थोड़ा सा आपको दूर ही दिखेगा क्योंकि इसमें आप जूम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ये फिक्स लेंस है। तो फ्रेंड आई होप आप समझ गए होंगे कि 18-55 और 50mm 1.8G में क्या फ़र्क है। 1.8G की निकोन और कैनन में भी ये रूल सेम है। तो आशा करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम समय समय पर लाते रहते हैं। अगला वीडियो हमारा आएगा 1855 के ऊपर कि उससे आप कैसे अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हो या वीडियो बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।